रूम नंबर एक संरक्षण दे दो, ये हमारे पिलर वन भाग से ये हमारे धर्मराज है, क्षेत्र के जानदार है, इसी में वह तो भी है, उसके बाद किसानी भी है। कहाँ से हैं आप? सिंघनपुरी। अच्छा सिंघनपुरी, ये कौन सी जड़ी है? ये पाढ़ीन। पाढ़ीन किस काम में आता है? ये पेड़ जलन करता है, उसको काम में आता है। तो इसका पत्ती देते हैं कि जड़ देते हैं? जड़, जड़, जड़। कितने मात्रा में देते हैं? ये थोड़ा इतना इतना, एकदम कड़ू रहता है। थोड़ा खोद के दिखाइए किनारे से, पौधे को नुकसान मत पहुँचाइएगा। लिखिए इसको पाढ़ीन। एकदम कड़ू रहता है। अच्छा अच्छा, तो बकायन बोलते हैं। अच्छा, इसका झाड़ होता है बहुत लंबा, नीम जैसा नहीं होता, पत्ते नीम जैसे होते हैं, नीम से भिन्न है ये। इसके में दाने आते हैं, बीज आते हैं, और इसका जो पत्ता है चर्म रोगों के लिए बहुत स्पेशल दवाई है ये। अच्छा। और साइट का बात के लिए इसके पत्ते का काढ़ा बना के सिर्फ 11 दिन देते हैं, साइट का दर्द जो है कम हो जाता है। बकायन। और यह है कल्ले, एक कल्ले का पत्ता है, यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है। मांस जोड़ भी इसको बोलते हैं कई लोग इसको देहात में, इससे मांस कटा हुआ मांस जुड़ जाता है। इसके पत्ते का रस निकाल के कोई भी कटा है उसमें डालने से मांस को जुड़ने का काम करता है। इसमें आप किसी मांस के लुगदी को रख देंगे और आधा घंटा के बाद में देखेंगे लोथड़ा यह सब जुड़ जाता है। बहुत सुंदर, ये है बहुत सुंदर। आपो माने ला पहचान था, तो आप का उपयोग करते हैं खर? बताओ बताओ। ये मांस जोड़ने में हड्डी वड्डी जुड़ गए, इसका छाली ला के पीस के मस्त है उसको। आपका क्या नाम है? बुद्ध सिंह। अच्छा, वैद्य जी हैं आप? बुद्ध कहाँ से हैं? बरबसपुर। और आप बता। ये तो चलिए बुधिया जी।